हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका कार हॉलिक 14 में। और यहाँ पे आप होंडा सिटी का सेकंड वेज वेरिएंट देख सकते हैं, जो कि वी वेरिएंट है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अब अचानक से होंडा के शोरूम पे मैं क्यों आया हूँ, सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि अप टू 88,000 जो है डिस्काउंट मिल जाता है। फीचर्स भी काफ़ी फीचर्स लोडेड जो है इसके अंदर रहने वाला है। उसके साथ ही साथ जो है ना, काफ़ी जो है आपको हाई एंड फीचर्स जो है वो भी मिल जाएंगे, जैसे कि लेवल 2 का एडास जो है वो मिल जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह मिल जाता है, अलॉय व्हील दिया गया है सेकंड बेस वेरिएंट से ही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चाबी से। यहाँ पे आप चाबी को देख सकते हैं, होंडा का लोगो वो मिल जाता है। 3 बटन्स मिल जाते हैं इसके अंदर, लॉक अनलॉक, और एक जो है होल्ड करके रखेंगे तो आपको बूट जो है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल पे क्या मिलता है, तो फ्रंट प्रोफाइल को देखेंगे तो बिल्कुल आपको टॉप मॉडल वाला ही फील आने वाला है। कुछ कुछ ऐसे चेंजेस हैं जहाँ से पता लगा सकते हैं कि बेस वेरिएंट है, जैसे कि हेडलैम्प यूनिट जो है वहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है आपका LED नहीं, बट ये जो है आपको येलो थ्रो के साथ मिलेगा, जो कि आपका नॉर्मल प्रोजेक्टर सेटअप रहने वाला, हेलोजन बेस्ड। यहाँ पे जो है आपका हाई बीम है बल्ब के साथ में है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो अपना फॉग लैंप उसको देख लीजिए। कुछ इस टाइप का पूरा बम्पर का डिज़ाइन जो है वो मिल जाता है, जो कि पूरा एरोडायनेमिक स्टाइल रहने वाला। सामने में होंडा का लोगो वो भी आप चेक कर सकते हैं। पूरा क्रोम का बड़ा सा एलिमेंट जो है यहाँ पे कवर करता है इसके फ्रंट प्रोफाइल को। बोनेट वगैरह का डिज़ाइन वो चेक कर लीजिए यहाँ से। अब ऊपर देखेंगे विंड स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जो आपको लेवल 2 का एडास है उसका कैमरा वो आपको दिया गया है। विंड स्क्रीन पे वाइपर्स वगैरह जो है उसको चेक कर सकते हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल टाइप वाइपर्स जो है वो मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है कुछ इस टाइप का मिल जाता है, जो कि डुअल टोन डायमंड कट मशीन कट कुछ इस तरीके से इसको आप बोल सकते हैं। गुडियर का टायर जो है इसके अंदर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। और प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो है ना आपको 185/60 R15 inches का प्रोफाइल जो है साइज वो मिल जाएगा। होंडा का लोगो, डिस्क ब्रेक वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इस साइड अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप इसके ORVM को देख सकते हैं, LED इंसर्ट्स के साथ में है ORVM। बॉडी कलर है उसके नीचे में ब्लैक जो है टोन वो मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर जो है अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स जो वो भी मिल जाएंगे इसके अंदर। अब अपना जो ए पिलर है ना वो बॉडी कलर है, बी पिलर जो है ये मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है, ये लैमिनेट वाला पार्ट रहने वाला है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएंगे तो कुछ इस टाइप का रेयर प्रोफाइल का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे अलॉय व्हील का डिज़ाइन, पीछे आपको ड्रम ब्रेक जो है वो दिया गया है। अब यहाँ से देखेंगे तो टोटल बैक प्रोफाइल का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। रेयर LED कॉम्बिनेशन लैम्प जो है वो इसके अंदर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है यहाँ पे। यहाँ पे अपना जो इंडिकेटर है वो चेक कर सकते हैं, रिवर्स लैंप उसको चेक कर सकते हैं। IVT पेट्रोल वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको IVT की जो इम्बोजिंग है वो मिल जाएगी। होंडा का लोगो वो देख सकते हैं, पीछे कैमरा जो है वो भी मिल जाता है। अब इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स जो है वो दिया गया है। पीछे जो बम्पर का डिज़ाइन है वो भी जो फ्रेश अपडेट आया था उसमें चेंज हो चुका है, जो अपना रिफ्लेक्टर वगैरह है उसको चेक कर सकते हैं। 506 लीटर का जो है इसके अंदर आपको बूट स्पेस कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, काफ़ी बड़ा सा बूट जो है इसका रहने वाला है। अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना जो है वो मिल जाता है। उसके अलावा विंडस्क्रीन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिफॉगर है वो दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैंप जो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। सिटी की जो बैजिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। एक बार बूट भी जो है मैं ओपन करके आपको चेक करा देता हूँ, तो बूट जो है कुछ इस तरीके का रहने वाला आप देख सकते हैं। कुछ इतना बूट स्पेस दिया गया है, 506 लीटर का बूट स्पेस जो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अपना स्पेयर व्हील जो है वो भी चेक कर सकते हैं, वन साइज जो है ये डाउन रहने वाला है। तो चलिए बूट को हम लोग बंद कर देते हैं। 40 लीटर का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर आपको मिल जाता है। एशियन NCAP में इसने जो है 5-star स्कोर करा है, तो सेफ्टी के अंदर भी कोई इशू नहीं है, 5-star रेटिंग जो इसके अंदर आपको मिल जाती है। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इंटीरियर है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटीरियर में भी हम लोग चलते हैं, पहले आप इस साइड का व्यू जो है वो देख लीजिए। अब जब हाई एंड मॉडल्स में जाएंगे ऊपर की तरफ टॉप वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको DRVM भी मिल जाता है कैमरा यहाँ पे, ताकि इस जो ये लेन रहने वाला है इससे जो भी ट्रैफिक अप्रोचिंग होगा वो आप अपने डिस्प्ले पे देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके अंदर। और इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको सनरूफ नहीं मिलता है, सनरूफ के लिए जो है आपको हायर एंड वेरिएंट्स पे जाना पड़ता है। तो कुछ इस टाइप का इंटीरियर रहने वाला है। डोर की जो ओपनिंग है वो देख सकते हैं, काफ़ी वाइड ओपनिंग है, अराउंड 70% जो है इसकी ओपनिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग जो है वो आपको दिया गया है, ये भी चेक कर सकते हैं, क्रीम कलर के अंदर है। ड्राइवर साइड आपको ऑटो का फीचर मिल जाता है, बाकी वह तीनों जो है वो नॉर्मल रखे गए। ORVM वगैरह आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं, ग्लास वगैरह
ठीक है, फोल्ड अनफोल्ड, और अपना ग्लास जो आप यहाँ से लॉक कर पाएंगे, जो अपना क्रोम हैंडल है उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अपना बॉटल होल्डर का स्पेस, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी मिल जाएगा। सीट जो है वो आपको मैनुअल एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पूरा मिल जाता है सिस्टम पूरा। ये जो है फैब्रिक फिनिशिंग के साथ में है ये भी। और यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको दो लिवर्स दिए गए हैं जो कि फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, बोनेट ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको ESP का जो बटन है वो दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके इंटीरियर में जैसे ही हम लोग स्टेप इन करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको मेन हाइलाइट्स जो वो देखना स्टार्ट हो जाता है। इसका स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे तो यहाँ पे आपको होंडा का लोगो जो है वो दिख जाता है। क्रूज कंट्रोल का जो सारा बटन है वो आपको इस साइड मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट, वॉइस कमांड, होम, ठीक है, ट्रैक चेंज करने के लिए सारे बटन जो वो मिल जाते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप का मिल जाता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये डायल्स वगैरह जो वो देख सकते हैं, 0 से लेकर 220 तक की जो मार्किंग है वो दिख जाएगी। उसके अलावा 0 से 8000 RPM जो वो दिख रहा होगा, 7-8 जो वो आपको रेड कलर के अंदर दिख रहा है। MID जिसके अंदर आप वेरियस इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जैसे फ्यूल लेवल इंडिकेशन हो गया, किसने सीट बेल्ट लगाया नहीं लगाया, वो सब सारी चीज़ें जो इसके अंदर मिलेगी। उसके अलावा यहाँ से जो इसका ब्राइटनेस है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं MID का, ठीक है। और इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको भी चेक कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, AM/FM, ब्लूटूथ वगैरह को सपोर्ट कर लेता है। इसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। अपना AC वेंट्स वगैरह जो वो भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है वो मिल जाता है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक AC जो इसके अंदर दिया गया है, और पावर आउटलेट्स वगैरह देख लीजिए यहाँ पे, और ये जो है दो USB टाइप जो वो मिल जाएगा। फ़ोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। कप होल्डर, बोट होल्डर का स्पेस जो थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है। उसके अलावा इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन जो है वो भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो अपना हैंडब्रेक जो है वो यहाँ पे है, और आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे, इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस जो आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइडिंग नहीं है, फैब्रिक फिनिशिंग के साथ में है। टोटल जो है इसके अंदर आपको कंपनी 6 एयरबैग जो है वो प्रोवाइड करती है। ये जो है प्लास्टिक का पार्ट है, बट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे टॉप मॉडल में लगता है कि लेदर का पार्ट है, उस टाइप से वुडन फिनिशिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है आपको, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। उसके अलावा जो अपना ग्लोव बॉक्स है उसको आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का यहाँ पे पूरा स्पेस जो वो दिया गया है। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये मैनुअली एडजस्ट जो आपको करना पड़ता है। इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग वाला फीचर जो है वो नहीं मिलता है। सनरूफ भी इसके अंदर जो है वो मिसिंग है, सेकंड बेस वेरिएंट है, तो उस हिसाब से जो है रखा गया है सब कुछ। बट फीचर्स जो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आने वाला है। और जो अपना मिरर है ना उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो लाइट्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल हैलोजन के अंदर आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपको मिरर जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रूम में। तो जो अपना सेकंड रो का डोर है उसकी ओपनिंग जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी अराउंड 80 डिग्री जो है वो ओपन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो एंट्रेंस और एग्जिट है वो काफ़ी आसानी से रहने वाली है, तो काफ़ी बड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है अंदर जाने के लिए, उसे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा पीछे जो है ना अपने AC वेंट वो चेक कर सकते हैं, फैब्रिक फिनिशिंग के साथ में पूरा सीट वगैरह, हेडरेस्ट वगैरह जो वो फिक्स रहने वाला है, और 5 हेडरेस्ट जो वो मिल जाते हैं। पीछे की तरफ जो है अपना आर्मरेस्ट दिया गया है, जिसके अंदर आपको बॉटल होल्डर और कैन या कप होल्डर कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड में भी यहाँ पे जो है ना आपको कुशनिंग सपोर्ट वगैरह जो है वो मिल जाती है। अपना पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का रहने वाला है यहाँ पे। और इसके अंदर एक बार मैं फिर से बता दूँ, 6 एयरबैग जो वो मिल जाता है, आइसोफिक्स माउंट जो वो मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके सेफ्टी से रिलेटेड पार्ट जो वो कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है ना टोटल आपको 6 एयरबैग जो है वो दिया गया है, AVS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो इसके अंदर कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। अब इसका जो एक्सरूम प्राइस है वो 12,93,000 है, जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको समवेयर अराउंड 14,40,000 जो है वो डिस्काउंट वगैरह करने के बाद आने वाला है। और जो मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे आप ले सकते हैं वो 88,000 का डिस्काउंट जो है कंपनी इस समय प्रोवाइड कर रही है। उसके अंदर भी वेरियस मतलब कि स्टेप्स है, जैसे कि आप एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज बोनस मिल जाता है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट वगैरह जो वो मिल जाएगा।
तो सब कुछ इंक्लूड करके मैक्सिमम जो है आपको 88,000 तक का डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो एक बार जो मैं आपका जो है ना इसको जो इसका इंजन कंपार्टमेंट है इंजन बे उसको भी चेकआउट करवा देता हूँ। 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है जो कि समवेयर अराउंड 119 पीएस का जो पावर है जनरेट करता है, तो वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो फाइनली इंजन बे जो है उसे भी आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आईवीटेक इंजन जो है 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो है इसके अंदर आपको मिलता है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड रहने वाला। एग्जैक्ट पावर स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या आप अपने डिस्प्ले पे आप लोग चेक कर लेना। तो कुछ इस तरीके का पूरा कंप्लीट इंजन बे रहने वाला है। जो इसका बोनेट है वहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह का वर्क वो पूरा कंप्लीट मिल जाता है यहाँ पे। तो नॉइज लेवल वगैरह जो है वो आपको केबिन में काफ़ी कम मिलेगी सुनने के लिए। और वैसे भी होंडा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिफाइनमेंट क्वालिटी ये सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपने कम्फर्ट के लिए। और होंडा सिटी, तो जब कम्फर्ट शब्द आ जाए तो फिर होंडा सिटी का तो एकदम प्रॉपर कनेक्शन है यहाँ पे। तो चलिए सारा कुछ जो डिटेल वगैरह था वो इस वीडियो के थ्रू जो है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। थैंक यू।